में अंग्रेज साम्राज्य विक्टोरिया का शासन था। एक बार स्वाधीनता आंदोलन को बुरी तरह कुचला जा चुका था, लेकिन भारत माँ ने नए नए सपूतों को जन्म दिया। उनमें से 1897 में जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी के यहाँ पर बालक सुभाष ने जन्म लिया। इनका जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था। बाद में इनके पिताजी बंगाल में जाकर बस गए और वहां पर वकील थे। वहीं पर इनका लालन पालन हुआ और कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। ये बहुत ही प्रखर बुद्धि के थे और तार्किक बुद्धि भी थी, इसलिए हर एक को हाजिर जवाब दिया करते थे। उस समय भारत की स्थिति देख करके इन्होंने ICS जो इस समय IAS है, जो DM वगैरह बनते हैं, उसकी परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड गए और वहां पर उन्होंने उस परीक्षा को उत्तीर्ण किया, चौथा स्थान प्राप्त किया। लेकिन वहीं से उन्होंने अपने पिताजी को पत्र लिखा कि मैं भारत माता को जंजीरों में जकड़ा हुआ देखकर स्वयं अधिकारी बनकर के भारत के लोगों पर अत्याचार करूं, ये मुझे स्वीकार नहीं है। और उन्होंने ICS परीक्षा से त्याग पत्र दे दिया। भारत आकर के गांधी जी से मिले। गांधी जी ने उनको चित्तरंजन दास से मिलने के लिए कहा, वही इनके पहले राजनीतिक गुरु थे। उसी समय एक दूसरे और प्रखर नेता का आविर्भाव हुआ, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दोनों ही कांग्रेस